हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में आप हमारा जो एक्सेल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, गूगल शीट। गूगल शीट में कुछ लोग बहुत थोड़ा बहुत जानते भी होंगे गूगल शीट के बारे में, और बाकी लोग नहीं भी जानते होंगे। गूगल शीट जो है वो जस्ट लाइक एक्सेल ही है, उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। अगर हम गूगल शीट की बात करें तो गूगल शीट में प्लस पॉइंट इसलिए हैं क्योंकि गूगल ने उसको रेडी किया है। तो अगर गूगल ने कुछ रेडी किया है तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल जरूर होगा। तो चलिए आज हम गूगल शीट स्टार्ट करते हैं, कैसे गूगल शीट पे काम करते हैं, बेसिक चीजें आज हम गूगल शीट की सीखेंगे कि गूगल शीट स्टार्ट कैसे करते हैं हम, और उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, उसमें क्या एडिशनल है। आज हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है। तो गूगल शीट सिंपली स्टार्ट करने के लिए, अच्छा गूगल शीट में क्या है, एक्सेल के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, एमएस ऑफिस चाहिए होता है, तभी हम एक्सेल अपना एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन गूगल शीट के अंदर ऐसा नहीं है, हमें एमएस एक्सेल कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। गूगल शीट के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, इंटरनेट की जरूरत है सिर्फ, और उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। गूगल शीट हम कहीं पे भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हैं। गूगल शीट पे क्या है, जो भी एक वर्कशीट होगी उस पे हम कितने भी लोग काम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। ऑफिस में क्या होता है, जनरली कोई एक फाइल होती है तो हम उस पे क्या करते हैं कि एक फाइल है, पहले एक ने उस पर डाटा पे वर्क किया, फिर क्या होता है जब एक का वर्क कंप्लीट हो गया फिर दूसरे ने कंप्लीट किया। एक साथ हम उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं या एक साथ उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हमारी गूगल शीट ने दूर कर दी हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल को शेयर करके और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं साथ में, जितने भी उस पर उस डाटा पे जितने भी लोगों ने वर्क करना है वो एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर किसी को गूगल शीट शेयर की है तो मैंने जिसको शेयर की है, जितने भी मान लेट्स सपोज मैंने 5 लोगों को शेयर किया है, तो हम वो 5 लोग और मैं 6 लोग हो गए, हम तो 6 लोग एक साथ उस पर वर्क कर सकते हैं। ऑफिस में क्या होता है, यही होता है। फिर उसके बाद जो एक हेड होते हैं वो उस रिपोर्ट को चेक करते हैं, तो उस रिपोर्ट को साइड बाय साइड कोई चेक भी कर सकता है कि उस पर क्या वर्क हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो गई है, क्या है। उसमें बार बार किसी से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है कि हम फोन करके पूछ रहे हैं या इंटरकॉम करके पूछ रहे हैं कि आपने ये वर्क कर दिया है या कि इसमें क्या ऐड हो चुका है। या फिर कई बार क्या होता है, हम इंटरकॉम करके बोल रहे हैं कि आप ये फाइल क्लोज कर दो, अब मुझे इस पे वर्क करना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी गूगल शीट के आने से हमारी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो गूगल शीट कैसे स्टार्ट करते हैं, गूगल पे जाना है हमें नॉर्मली, और हम क्या गूगल शीट हम सिंपली गूगल शीट सर्च करेंगे। गूगल शीट सर्च करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो जो हमारा क्या होगा, गूगल शीट फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट फॉर पर्सनल यूज, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पर्सनल में यहाँ पे आ जाएगा गो टू गूगल शीट्स। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे गो टू गूगल शीट्स पे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो हम ले लेंगे, जो हमारी क्या है ब्लैंक है स्प्रेडशीट वो हम ले लेंगे। और बाकी यहाँ पे और भी फॉर्मेट्स आ रहे, टेम्पलेट्स आ रही हैं, वो हमें जरूरत नहीं है। तो ये देखिए गूगल शीट हमारी ओपन हो गई है। गूगल शीट ओपन होने के बाद क्या है, जस्ट नॉर्मल ये एक्सेल की तरह ही व्यू है इसका, सारी चीज एक्सेल की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बार है, ये हमारी रो, ये हमारी कॉलम्स, सिंपल कॉलम्स भी ऐसे ही हैं, इसमें रोज भी ऐसे ही हैं। इसमें क्या है, कॉलम्स होते हैं किसके अंदर, एक्सेल के अंदर 10,637। लेकिन अगर हम बात करें गूगल शीट की तो गूगल शीट में ऐसा नहीं है। अगर मैं इस पे लास्ट कॉलम में जाती हूँ, कंट्रोल राइट एरो से मैं लास्ट में गई, तो आप देख सकते हैं इसमें जेड कॉलम तक ही है। तो ये जेड कॉलम तक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमने मतलब जेड तक है, दैट मीन 26 कॉलम्स ही हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें मतलब कि सोचने की जरूरत नहीं आ रही, ये तो सिर्फ लिमिटेड है। अगर हमारे कॉलम्स 26 से ज्यादा हुए तो हम क्या करेंगे फिर, है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, सिंपली एक शीट ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, एक शीट ऐड कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट रो कर देंगे हम, सॉरी मैंने रो कर दिया, रो नहीं कॉलम ऐड करना है। ये मैंने कॉलम ऐड कर दिया है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम ऐड करने के बाद डबल ए करके आ गया है। इसी के बाद ऐसे ही जैसे ही मैं और कॉलम्स ऐड करती चली जाऊंगी, तो ये ए ए है, फिर ए बी, ए सी, ए डी, है ना, इस तरीके से आगे कॉलम्स ऐड होते चले जाएंगे। अब अगर हम रोज की बात करते हैं कि हमारे इसमें रो कितनी है,
हमारे इसमें क्या है, रो कितनी है गूगल स्प्रेडशीट में, कितनी रोज हैं। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये 1000, वैसे ये 1000 ही है। मैंने अभी क्या किया था, यहाँ पे एक गलती से रो ऐड हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई, 1001 हो गई है। असल में 10 लाख समथिंग कुछ रोज है। तो इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 1000 लिमिटेड है, यहाँ पे भी हमें जितनी रोज ऐड करनी है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली ये तो हम हुई हमारी रो और कॉलम की बात। सिंपली सेल, जैसे इसमें भी सेल ही बोला जाता है, क्या इंटरसेक्शन, जो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, सेल। यहाँ पे भी सेम ही है, इनको भी टैब्स ही बोला जाता है। तो सारी चीजें इसमें सेम ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं। क्या क्या चीजें चेंज हैं इस पे, किस तरीके से, अच्छा आपके माइंड में ये भी आएगा जब ये एक्सेल की तरह है, कॉलम रो सब कुछ सेम है, इसी तरीके से इसमें इसकी टैब्स भी है, फाइल टैब है, जैसे हम देख भी रहे हैं यहाँ पे फाइल टैब है, एडिट टैब है, व्यू टैब है, इंसर्ट टैब है। तो कि आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें इस पे वर्क करती हैं जैसे सेम एज इट इज एक्सेल पे वर्क करती हैं। मैं आपको इसमें ये क्लियर कर देती हूँ कि जो एक्सेल पे शॉर्टकट कीज यूज करते हैं या और बाकी चीजें सब यूज करते हैं, इस पे सारी चीजें सेम वर्क नहीं करती हैं। मतलब अगर मैं शॉर्टकट कीज की बात करूं तो कुछ ही शॉर्टकट कीज यहाँ पर एक्सेल की वर्क करेंगी, बाकी शॉर्टकट कीज यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। गूगल शीट की जो शॉर्टकट कीज है वो अलग है। अच्छा यहाँ पर ये भी हमें इसमें और भी एक चीज है कि अगर हमें गूगल शीट पे एक्सेल शॉर्टकट कीज यूज करनी है तो उसको एनेबल भी करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, आज यहाँ पे हम सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो नॉर्मली अभी हम वर्क करते हैं, मैं कुछ भी ले लेती हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिए मैंने, यहाँ प्रोडक्ट्स ले लिए, यहाँ पे मैंने मंथ ले लिया। अब मैं अगर मैं मंथ लेती हूँ, मंथ लेके और फिर इसको देखिए, ये जो प्लस का साइन आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, जो बड़ा सा प्लस का साइन आ रहा है इसको बोलते हैं फिल हैंडल। तो यहाँ पे फिल हैंडल भी है सेम एज इट इज एक्सेल की तरह, जैसे एक्सेल में फिल हैंडल होता है, एक्सेल में जो प्लस का साइन आता है वो थोड़ा छोटा होता है लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा है जो हमें अलग से ही दिख रहा है। हम इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये आगे तक क्या करेगा, जन फेब मार्च आगे तक ड्रैग कर देगा, है ना। ऐसे ही क्या है, उसके बाद अगर हम इसको नीचे भी करते हैं तो भी डाउन की तरफ करते हैं तो भी आगे कंटिन्यूस में ले लेगा, और राइट में करते हैं ड्रैग तो भी ये इसी तरीके से ले लेगा, हमें सारे मंथ ड्रैग करके दे देगा। देन उसके बाद क्या है, सीरियल नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी नोट कर देती हूँ चीजें, जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ गूगल शीट, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, गूगल शीट, एक्सेल, जीएसटी, टैली, इनकम टैक्स। अब मैं कहती हूं कि इनकी जो सेल हुई मेरी वो हुई कुछ भी, मैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकती हूं, मैं रेंट बिटवीन का फॉर्मूला क्या है, मुझे रैंडम वो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रैंडम वैल्यूज चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे भी रेंट बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ, रेंट बिटवीन का फॉर्मूला यूज करके देन उसके बाद मैं यहाँ क्या करती हूँ, कोई भी अमाउंट डाल देती हूँ, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। कंट्रोल डी क्या होता है, फिल डाउन, एंड कंट्रोल आर क्या होता है, हमारा फिल राइट। तो ये शॉर्टकट की सेम एज इट इज काम करती हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, ये सारी शॉर्टकट, ये जो नॉर्मल शॉर्टकट कीज हैं ये तो एज इट इज काम करती हैं बट बाकी सेम नहीं करती हैं।
तो क्या क्या सेम करती हैं वो हम यहाँ पे हमें पता चल ही जाएगा धीरे धीरे। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। अभी मैंने क्या किया, ये चेंज किया है, मैंने अभी क्या किया है, ये फॉर्मूला लगा के इसमें डिटेल्स फिल की हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट का या कुछ और मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, तो ये डिजिट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये डिजिट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों? ये हमारा सेम ऐसे एक्सेल में भी होता था, क्योंकि रैंड बिटवीन क्या है, जो रैंडम वैल्यूज है उनको पिक करता है, जिसकी वजह से जो भी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, इस वर्कशीट में जो भी वर्क कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये क्या होती रहती है, वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको कंट्रोल सी करना होगा, और हम क्या करेंगे, वैल्यूज पेस्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यूज पेस्ट करनी है हमें, तो हम अगर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, पेस्ट स्पेशल का, पेस्ट स्पेशल आ रहा है। पेस्ट स्पेशल में क्या आ रहा है, हमें वैल्यूज करनी है ओनली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, या हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले क्या था, फॉर्मूला बार में अगर मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, कंट्रोल जेड अंडू के लिए सेम एज इट इज वर्क करता है। कंट्रोल जेड मैं करती हूँ, ये मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी क्या था, फॉर्मूला बार में यहाँ पे पहले फॉर्मूला दिखा रहा था। अगर मैं अब इसको दोबारा से कंट्रोल वाई कर देती हूँ, अब हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब कंट्रोल वी मतलब पेस्ट स्पेशल किया है, ओनली वैल्यूज पेस्ट करी है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अगर हमें सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। अगर हमें फॉर्मेट क्या करना है, पेस्ट करना है, सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट करना है, कॉपी करना है, तो क्या करना होगा हमें, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट कीज क्या है, अलग अलग है, तो वो हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे हमें ये शॉर्टकट कीज याद भी हो जाएंगी। तो अब हम इसको अगर फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेटिंग करने के लिए हम टेबल में जाएंगे, यहाँ पर ये बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर्स में गए, हमें ऑल बॉर्डर्स चाहिए था तो हमने ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया। अगर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाले का थिक बॉर्डर चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट का थिक बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए हमने उसको सिलेक्ट किया। यहां से हम ऑप्शन चूज करेंगे, हमने ये वाला ले लिया, हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाला ले लिया, लेकिन ये बॉर्डर क्या है, थिक नहीं है। ये बॉर्डर क्या है, थिक नहीं है, फर्स्ट वाला जो है हमारा वो बॉर्डर थिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल लेंगे और हम ये थिक वाला चूज कर लिया। अच्छा, ये सारे उसमें हमारे एक्सेल में क्या था, ये सारी चीजें अलग से ही थी, मतलब हम अगर बॉर्डर में जाते थे तो वहां पे सारी थी। यहाँ पे हमें जैसी भी थिकनेस चाहिए उसकी, हम यहाँ से चूज कर लेंगे, बस हमें यहाँ पे बॉर्डर की थिकनेस चूज करनी है, देन उसके बाद जो चाहिए वो नॉर्मली है, यहाँ पर इतने ही है फॉर्मेट। तो ये हमने ले लिया, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, थिक बॉर्डर आ गया है। अब अगर हम इसको टोटल करना है, अब हमें क्या करना है, टोटल करना है इनका, मतलब हमारी जनवरी में सेल कितनी हुई वो हमें चेक करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे ना मैं टोटल आपको तीन चार तरीके से बताने वाली हूँ कि गूगल शीट में किस किस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ क्या करती हूँ, टोटल करती हूँ, तो टोटल करने के लिए क्या है, एक तो ये तरीका है कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, और यहां पर देखिए यहां पे ये लिखा आ रहा है सम, इसके बराबर में ये है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना है तो मैं इसको ओके कर दूंगी। क्या एक्सप्लोर करना है, सम। अगर देखिए मुझे जनवरी से ये जनवरी का टोटल से सम चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है कि ये इतना इसका सम होता है। अगर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ड्रैग, मुझे इसका सम चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके भी रख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, ये टोटल आ चुका है, जो हमारा टोटल का फॉर्मूला है वो क्या हो चुका है, आ चुका है। अब ये तो आ चुका है, इसके साथ साथ मैं और क्या कर सकती हूँ। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने तो यहाँ से ये ड्रैग करके फॉर्मूला लिखा है, क्या इसमें अगर मैं ऊपर कुछ भी सेल में चेंजेस होते हैं मेरे, तो क्या यहाँ पर चेंज होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि चेंज होगा नहीं होगा। मैंने इसको कर दिया 25,000, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये क्या हो गया, 1,23,641 हो गया। मैं इसमें कर देती हूँ 30,000,
तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। तो दैट मीन्स ये मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ऑटो मैनुअल है। दैट मीन्स मैं इसमें जो भी चेंजेस करूंगी वो होंगे, यस होंगे, क्योंकि क्या करते हैं हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद उतना ही टोटल दिखाता है और इसमें जो रेंज लेता है, सम में जो रेंज ले लेता है वो उतने ही लेता है। आप देखिए अगर इसमें रेंज देखेंगे आप फॉर्मूला बार में, तो यहाँ पर जो रेंज आ रही है वो इतनी ही आ रही है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं सम। दूसरा क्या हो गया, जैसे हमारा क्या होता है फंक्शन होता है एक्सेल में, ऐसे यहां पर भी क्या है सम का फंक्शन है। सम रेंज हमने सिलेक्ट करी एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो यहाँ पे वो सम भी आ गया। दूसरा क्या है, हम इसको वन बाय वन भी कर सकते हैं। वन बाय वन कैसे करेंगे, फॉर्मूला प्लस, हर सेल का प्लस कर सकते हैं, मतलब वन बाय वन में। तो हम ऐसे भी इसका टोटल कर सकते हैं। एंड एक तरीका क्या है, यहाँ पे जो हमारा मेन्यू दिया हुआ है, ये हमारा जो यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि यहाँ से भी हम टोटल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हुए, हमारे फंक्शंस दिए हुए हैं। मैं इसको क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी इतने को, या सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिलेक्ट नहीं करूंगी। यहाँ पे कर्सर है, यहाँ फंक्शन दिए हुए हैं, मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, तो मैं यहाँ सम का लिखूंगी। यहाँ पे ब्रैकेट में उसने ऑलरेडी अपने आप ही वैल्यूज पूछ ली हैं, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, सिर्फ इतनी जो रेंज है मेरी जिसको जिसका मुझे टोटल चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर दूंगी। दैट मीन्स मैं इतनी तरीके से गूगल शीट के अंदर टोटल कर सकती हूँ। ये जो हमने लिया पहले वो लिया एक्सप्लोर का, दूसरा जो किया हमने वो कैसे टोटल किया, फंक्शन से। तीसरा जो टोटल किया हमने फॉर्मूला से, और जो फिफ्थ टोटल किया वो हमने किया यहां पर जो फंक्शन बटन है उससे, फंक्शन मेन्यू जो है उससे किया। तो हमने इस तरीके से चार तरीके से टोटल किया। अच्छा सबसे मेन चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे फंक्शन और फॉर्मूला, फंक्शन में क्या डिफरेंस है और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। फॉर्मूला और फंक्शन, फॉर्मूला वो होता है जो हम डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जो हम डिफाइन करते हैं, मतलब इस और इस 15,000 को 22,000 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, सिंपली हम प्लस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, सिस्टम डिफाइन होता है जिससे हमें शॉर्ट टाइम में हमारा काम हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे सम का फंक्शन दिया था, तो फंक्शन और फॉर्मूला में यही डिफरेंस है। फंक्शन क्या होता है, सिस्टम प्री डिफाइंड होता है, और जो फॉर्मूला होता है वो हम देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हम देते हैं। अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर फंक्शन हम यूज करते हैं तो उसके लिए क्या है कि हमारा कम टाइम में हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें हमें क्या होगा, टाइम लगेगा। जैसे आपने यहाँ पे भी देखा था क्या हुआ था, टाइम लगा था, सबको वन बाय वन हमने क्या किया था, टोटल किया था, इसीलिए उनको टाइम लग गया था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया था मैं इसको क्या करूंगी, कंट्रोल आर कर दिया मैंने, मैंने क्या किया कंट्रोल आर मतलब फिल राइट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूला है यहाँ पर देख सकते हो जो फंक्शन है वो हमारा आ चुका है D2 to D6, ये हमारा फंक्शन इसने ऑलरेडी ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे इसने भी सम इसका ले लिया है सेम। अब मुझे अगर टोटल सेल चाहिए, टोटल मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सेल चाहिए, यहाँ पे क्या थी मंथ वाइज टोटल था मेरी सेल का, यहाँ पे क्या टोटल सेल है, तो टोटल सेल है यहाँ पे, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, या तो मैं अपना फंक्शन यूज करूं, या यहाँ पर जो मेन्यू में फंक्शन की दिए हुआ है उसको यूज करूं, फंक्शंस को यूज करूं, या फिर और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें एक्सप्लोर, दूसरा क्या कर सकती हूँ मैं एक्सप्लोर, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर पर जाऊंगी, ये ग्रीन कलर की आपको टैब दिख रही है, यहाँ पे मैं एक्सप्लोर पर गई, मुझे क्या चाहिए सम चाहिए, ये मैंने मुझे यहाँ क्या चाहिए सम चाहिए, तो मैंने क्या किया सम को पिक कर लिया। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक बार पिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी कंट्रोल
डी, मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल डी ट्रिल डाउन के लिए। देखिए कुछ शॉर्टकट की सेम यूज होंगी तो वो मैं आपको हैंड टू हैंड यहाँ पर बताती जाऊंगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, कंट्रोल डी कर लिया, फिल डाउन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मेरा ये इतना एरिया सिलेक्ट है तो ये क्या कर रहा है, इस टोटल सेल को हमारी शो कर रहा है। दूसरी चीज, हम जब एक्सेल में क्या करते हैं, जब एक्सेल में किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, जो नंबर्स होते हैं तो वहां पे क्या बताता है, काउंटिंग भी बताता है, सम भी बताता है। बट अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर को इसको मैं क्लोज कर देती हूँ तो यहाँ पर देखिए आप एक्सप्लोर के बराबर में यहाँ पे छोटी टैब आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, हमें टोटल बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, सम बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ सम बता, जहाँ सम बता रहा है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे अभी मुझे सम बता रहा है, मुझे एवरेज देखना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी तो मुझे यहाँ एवरेज शो होगा। या फिर मैं इस तरीके से भी ऐसे मुझे किसी का भी यहाँ पे, मतलब मैंने ये सेल सिलेक्ट की है, मैंने क्या की है, रेंज सिलेक्ट की, अब मुझे इसका सम देखना है, एवरेज देखना है, मिनिमम देखना है, मैक्स कितनी वैल्यू है वो देखनी है, काउंट देखना है। अच्छा यहाँ पे एक काउंट आ रहा है, एक काउंट नंबर्स आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सम पे ही ओके कर दिया तो सम तो मुझे यहाँ शो होगा, लेकिन मुझे अगर सारी चीजें देखनी है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि काउंट और काउंट नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ये अगर मैं यहाँ पे काउंट की बात करूं, यहाँ पे दोबारा से मैं करती हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे काउंट है वो 15 है और काउंट नंबर जो है वो भी 15 है। अगर मैं एक ब्लैंक कर देती हूँ, अगर मैं क्या करती हूँ, एक कोई भी ब्लैंक कर देती हूँ तो क्या होगा, अब मैं अगर इसका काउंट देखती हूँ तो क्या आएगा, अब काउंट अभी भी 14 है और काउंट नंबर जो है वो भी 14 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं अब दोबारा बताती हूँ, अगर मैं इसमें टेक्स्ट लिख देती हूँ, अगर मैं क्या कर देती हूँ, टेक्स्ट लिख देती हूँ तो क्या होगा, अब मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। देन अब यहाँ पर देखिए, अब काउंट जो है वो मेरे 15 है और जो काउंट नंबर्स है वो मेरे 14 है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो काउंट है वहां, यहाँ तो काउंट तो टोटल सेल्स जितने भी है हमारे, जितने भी सेल्स में डाटा लिखा हुआ है वो हमें बताएगा, तो वो टोटल 15 है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो मेरा नंबर है। लेकिन अगर मैं काउंट नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स कितने सेल्स में है वो मेरा उसने काउंट कर दिया 14 में। तो काउंट और काउंट नंबर्स में ये डिफरेंस है। कभी आपको अगर देखना है कि कहीं पे कोई ब्लैंक तो नहीं है, या फिर कहीं पे कोई टेक्स्ट ब्लैंक नहीं, कोई टेक्स्ट तो नहीं लिखा हुआ है, तो वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अगर काउंट और काउंट नंबर्स में डिफरेंस आता है तो। क्योंकि अगर आपके पास थाउजेंड्स रो होंगी तो उसमें आपको देखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको काउंट और काउंट नंबर्स में पता चल जाएगा कि कहीं कोई टेक्स्ट तो नहीं ऐड हो गया है, कुछ और तो नहीं ऐड हो गया है, तो वो यहाँ से आप पता कर सकते हो। अच्छा अब दूसरा क्या है, एक चीज हम जब एक्सेल में फॉर्मूला कर रहे थे, मैं इसको अंडू कर देती हूँ, नहीं अभी दोबारा से करती हूँ। जब हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं सम का, अगर वहां पर टेक्स्ट होता है, तो वो क्या करता है, उस फॉर्मूले को एरर देता है, फॉर्मूला नहीं फंक्शन को एरर दे देता है। जब हम सम का फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें क्या कर देता है, वो एरर शो करता है। क्यों, क्योंकि वहां पर टेक्स्ट आ चुका होता है और उसको वो एड नहीं करता है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट है लेकिन ये इसका भी टोटल यहाँ पर शो कर रहा है और इसका भी टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये इसको हम प्लस पॉइंट के रूप में भी ले सकते हैं कि अगर कहीं हम लेट सपोज कहीं हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम चाहते हैं वो रो भी, वो सेल भी हमारा इसमें आ जाए, हम क्योंकि पूरी एक रेंज सेलेक्ट कर ली तो उस टाइम पे तो अच्छा है। लेकिन अगर कभी हम ये चाहें कि टेक्स्ट को ना ऐड करें, वो एरर शो कर दे हम, जिससे कि हमें पता चल जाए, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कहीं टेक्स्ट है वो उसको ऐड नहीं करेगा बट उसकी वजह से एरर भी शो नहीं करेगा। तो ये हमारा डिफरेंस है एक्सेल के अंदर और गूगल शीट के अंदर। तो जो जो गूगल शीट के अंदर डिफरेंस है एक्सेल शीट से वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी। वैसे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको चीजें बताती जाऊंगी। तो मैं इसको अंडू कर देती हूँ, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया है। ये हुआ, उसके बाद ये तो अंडू है,
ये रिडू है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ये तो सिंपली है, ठीक है। हम आज ये मेन्यू सीखेंगे, यहाँ पे मेन्यू में हमारे क्या क्या चीजें हैं वो हम कोशिश करेंगे इसको कवर कर लें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इस मेन्यू में, तो करते हैं। उसके बाद क्या है, पेंट फॉर्मेट, जो वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या है, ये पेंट फॉर्मेट है, वहां पे क्या था, फॉर्मेट प्रिंट था, फॉर्मेट था, प्रिंट फॉर्मेट था, यहाँ पेंट फॉर्मेट है, वहां प्रिंट फॉर्मेट था, वो क्या था, हम क्या करते थे, जो भी यहाँ पे हमने किया हुआ है, कलरिंग की है, लेट सपोज मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया और मैंने यहाँ पे कुछ कलर भी इसमें फिल कर दिए, यहाँ से फिल कलर कर दिया, ब्लू कलर मैंने फिल कर दिया और टेक्स्ट कलर में भी मैंने क्या किया, कोई कलर दे दिया, व्हाइट दे दिया मैंने कलर। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो यहाँ पर जो भी मैं मेरा फॉर्मेटिंग की हुई है मैंने यहाँ पे, वो भी क्या हो जाए, बाकी सेल्स में भी यही आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट पेंट फॉर्मेट को लूंगी एंड देन यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगी जितने में मुझे चाहिए और ये सेम यहाँ पर आ गया, वो सारा जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है, फॉर्मेट फॉर्मेट पेस्ट हो चुका है। ऐसे ही अब मुझे यहाँ पर कुछ और चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं वो कर सकती हूँ, यहाँ पे फिल कलर दे सकती हूँ, लाइट ग्रे दे दिया मैंने और टेक्स्ट में भी मैं कुछ और कलर दे सकती हूँ, मैं इनको सेंटर अलाइन कर सकती हूँ, तो मैंने ये सेंटर अलाइन कर दिया, यही सेम फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, लास्ट में चाहिए, यही वाला सेम फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, लास्ट में जो मेरी टोटल सेल है उस पे चाहिए, तो ये यहाँ पे भी टोटल आ गया। अब मैं इसको चाहूँ तो बस बोल्ड और कर सकती हूँ, तो मेरा यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट आ गया, तो पेंट फॉर्मेट का हमारा ये काम है। उसके बाद क्या है, जूमिंग लेवल, जूमिंग लेवल की अगर हम बात करें वर्कशीट में, ये गूगल शीट में, तो गूगल शीट में जो हमारा जूमिंग लेवल है वो हम मैक्सिमम 200% तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे अभी ये तो 100% है, अगर मुझे 200% करना है मैक्सिमम, इसमें हम क्या, हमें क्या करना है, 200% करना है, तो हम इतना कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ये मैक्सिमाइज नहीं होगा, ये सिर्फ 200% तक मैक्सिमाइज हो सकता है, तो अभी मैं इसको ऐसे ही मैक्सिमाइज रहने देती हूँ, मुझे अगर इसको जूम इन करना होगा तो वो मैं कर लूंगी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेट एज करेंसी, हमें क्या करना है, करेंसी फॉर्मेट करना है, मान लीजिए मेरी ये टोटल सेल है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, करेंसी फॉर्मेट करनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डॉलर का साइन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डॉलर का साइन आ गया, अगर मुझे ये डॉलर का साइन चेंज करना हो तो क्या करना होगा, हमें हमें अगर क्या करना हो, डॉलर का साइन चेंज करना हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम नंबर्स पर जाएंगे, नंबर्स पे जाने के बाद अभी यहाँ पे हमने क्या लिया था, करेंसी लिया हुआ है, अभी हमने क्या लिया हुआ है, करेंसी ले लिया है, अगर मुझे क्या करना है, चेंज करना है, मुझे क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट में ऑटोमेटिक भी कर सकती हूँ, इसमें ऑटोमेटिक में मैं जैसे ही करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, देन उसके बाद बाकी और ऑप्शंस मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे डॉलर का साइन चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ करूंगी, परसेंटेज में मुझे कोई भी डाटा चाहिए तो मैं वो परसेंटेज में ले लूंगी, लेट सपोज मुझे ये क्या करना है, परसेंटेज में चाहिए चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगी, हमें क्या करना है, इसकी एवरेज देखनी है, तो मैं इसको क्या करूंगी, टोटल जो सेल है उसको डिवाइड बाय कर दूंगी, कितने मंथ्स की है मेरी, 3 मंथ्स की, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो मैंने जैसे ही 3 किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, मैंने इसको क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे और कुछ करना है इसमें, मुझे एवरेज चेक करनी है, तो एवरेज चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी टोटल मैं
मैं जनवरी की सेल मुझे चेक करनी है, इसकी परसेंटेज चेक करनी है मुझे, तो क्या करना होगा, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ये आ रहा है, तो मुझे ये क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये परसेंटेज में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिल डाउन कर दिया तो ये परसेंटेज में आ गया। तो मैं अगर जनवरी की परसेंटेज देखना चाहूँ अपने टोटल सेल की, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो परसेंटेज में कोई भी कन्वर्ट करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मेरी ये टोटल सेल है, मैं इसमें जीरो नहीं, मैं जीरो बढ़ाना चाहती हूँ, दो जीरो मैंने इसमें इंक्रीज कर दी, तो मैं इसको कम कर सकती हूँ, कि जैसे हमारा नॉर्मली होम टैब में होता है एक्सेल के, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 है, प्लेन टेक्स्ट है, ऑटोमेटिक लेना है ना, वो सारी चीजें जो हमारा कस्टम से आता है, Ctrl-1 करके जो कस्टम फॉर्मेट आता है, वो सारी चीजें हैं। करेंसी में चाहिए, करंट अकाउंटिंग में चाहिए, फाइनेंशियल में चाहिए, है ना, किस तरीके से चाहिए वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन मुझे टैक्स चाहिए, जो टैक्स है वो कैसा चाहिए वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मुझे ये टैक्स, इसका टैक्स चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कैलिबरी कर सकती हूँ, कुछ भी जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज बोल्ड करना है, अनबोल्ड करना है वो आप कर सकते हो, इटैलिक करना है वो आप कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू करना है वो कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट कलर देना है वो मैंने आपको बता ही दिया था, फिल कलर करना है वो बता दिया मैंने आपको, बॉर्डर्स का मैंने आपको बता दिया है, सिलेक्ट मर्ज टाइप। मर्ज टाइप क्या होता है, वैसे तो आपको पता है ऑलरेडी, जब आप एक्सेल में वर्क कर चुके हैं, सब देख चुके हैं, वर्क एक्सेल सीख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं ऊपर दो रोज ऐड करनी है मुझे, मुझे क्या करनी है, दो रो ऐड करनी है। मैंने क्या किया, दो रो, दो सेल भी सिलेक्ट कर लूंगी तो भी चल जाएगा। मैंने रोज क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, मैंने दो रो क्या कर ली है, सिलेक्ट कर ली है। ये देखिए आपको सिलेक्शन दिख रहा होगा, तो दो रो सिलेक्ट कर ली है। अब मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक, अब मैं क्या कर रही हूँ, राइट क्लिक कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंसर्ट टू रोज। एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया वहां पे क्या आता है, सिर्फ इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंसर्ट टू रोज या इंसर्ट 6 कॉलम। अभी मैंने इतना 6 सिलेक्ट किया है तो इंसर्ट टू रोज या इंसर्ट 6 कॉलम्स आ रहा है, या इंसर्ट सेल है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट टू रोज कर दिया। इसमें मुझे ये क्या करना है, क्लियर करना है प्रिंट फॉर्मेट, यहाँ पे क्लियर कर दिया। मैं अब क्या करूंगी, इन सेल्स को मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी, मैं यहाँ से मर्ज सेल कर दूंगी, ये मैंने मर्ज सेल कर दिया, तो ये एक बड़ा सेल रेडी हो गया मेरा, मर्ज सेल कर दिया। अब मैं इसमें लिख दूंगी जैन टू मार्च। अब मुझे इसको अलाइन करना है, हॉरिजेंटल करना है तो वो मैं कर सकती हूँ, सेंटर करना है वो मैं कर सकती हूँ, राइट करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे अभी सेंटर में रखना है, उसके बाद अप करना है, अप कर सकती हूँ इसको, मिड में रखना है तो वो मैं कर सकती हूँ, है ना, मिडल में रखना है, या फिर मुझे बॉटम में रखना है तो वो मैं कर सकती हूँ, बॉटम टॉप जैसे भी मुझे चाहिए वो मैं कर सकती हूँ, वर्टिकली मुझे जैसे भी रखना है मैं उसको रख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मिड में कर दिया, सेंटर में कर दिया। उसके बाद मुझे इसको बोल्ड करना है, मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, मुझे इसका साइज, फॉन्ट साइज चेंज करना है, मैं वो यहाँ पे इसको कर सकती हूँ, मैंने इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दिया। देन उसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट रैप, सभी को पता है टेक्स्ट रैप क्या होता है, एक्सेल में सभी ने किया है, ये टेक्स्ट रैप है। अब मैं चाहती हूँ कि ये क्या हो जाए, मैं इसी कॉलम की साइज नहीं चेंज करना चाहती, मैं चाहती हूँ कॉलम मेरे जो सेल का साइज है वो तो इतना ही रहे, बट इसमें ही ऑटो फिट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, रैप टैक्स, उसके लिए क्या करना होगा, रैप टैक्स करना होगा। तो यहाँ पे जो रैप टैक्स है वो भी तीन तरीके से है। एक तो क्या है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कर देंगे तो आगे की तरफ ओवरफ्लो है तो हिडन हो जाएगा। देन मैं क्या कर दूंगी, रैप कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, उसी सेल में एडजस्ट कर लेगा, दैट मीन्स उसकी हाइट इंक्रीज कर देगा। देन उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करती हूँ, क्लिप, क्लिप में क्या होगा, वो फिर से उसको ऐसे ही कर देगा।
तो हमें क्या करना है, रैप करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, रैप टेक्स्ट कर दिया है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मुझे जैसे भी रखना है मैं वो यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। ये एक्सेल में भी वैसे नन है तो मतलब नॉर्मली टिल्ट करना है, मैं इसको चाहूँ तो टिल्ट कर सकती हूँ। मैंने इसको टिल्ट कर दिया तो ये ऐसे आ जाएगा, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। देन उसके बाद टिल्ट डाउन हो सकता है, स्टैक वर्टिकली ये आ जाएगा तो वो इस तरीके से आएगा, रोटेट अप आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग सही हो। यहां पे भी अगर मुझे इसको क्या करना है, ऑटो फिट करना है तो डबल क्लिक करूंगी और वो ऑटो फिट हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑटो फिट हो जाएगा इसी तरीके से जैसे हम एक्सेल में करते हैं। उसके बाद है हाइपर लिंक, मतलब इंसर्ट लिंक। लिंक भी शॉर्टकट की उसमें क्या थी, कंट्रोल के। यहाँ पे भी सेम है शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल के। तो मैं वो लिंक अभी बताऊं या मैं बाद में भी बता सकती हूँ। इंसर्ट चार्ट है, क्रिएट या फिल्टर है, ये दो तीन चीजें हैं। ये अभी तो कुछ टाइम बाद हम बताएंगे, बाकी चीजें हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे ये डाटा सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये डाटा मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो क्या है, मैं अभी जैन और फेब मार्च की सेल ही सिलेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ इतनी सिलेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और एक्सप्लोर पर जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे सम का फॉर्मूला है, सम का फंक्शन है, एवरेज भी मिल जाएगा उसका, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, काउंट क्या है, वो सब तो मिल ही जाएगा। साथ में और भी नीचे मेरे पास चीजें हैं जो मुझे मिल जाएंगी, फॉर्मेटिंग देखनी है तो वो हो जाएगा। मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है। दैट मीन्स एनालाइज हम कैसे करते हैं, चार्ट के थ्रू। अगर मुझे कोई भी चार्ट लेना है तो मैं वो भी ले सकती हूँ, जैसे ये चार्ट है, मुझे यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर मुझे इसको, इस डाटा को सिलेक्ट करके जो एक बार कुछ भी चीज चाहिए तो मैं वो यहाँ से ले सकती हूँ। लेट सपोज मैंने ये वाला ले लिया, मैंने ये चार्ट ले लिया, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इंसर्ट चार्ट पर जाना होगा और ये मेरा जो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। मेरा जो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूंगी या मैं जूमिंग लेवल जो है मेरा वो कम कर लूंगी तो वो भी मेरे को नजर आएगा। ये इस तरीके से मैं इसको चार्ट को भी ले सकती हूँ, पाई चार्ट लेना है वो भी मैं ले सकती हूँ। तो जो जैसे भी मुझे करना है मैं वैसे कर सकती हूँ। ये तो हो गया गूगल शीट पे जो नॉर्मली मुझे वर्क करना है, स्टार्टिंग के जो छोटे मोटे वर्क करने हैं वो किस तरीके से करना है, इसमें शीट किस तरीके से इंसर्ट करनी है, शीट हाइड करनी है तो क्या करना है, शीट को नेविगेट करना है तो कैसे हमें शीट्स को नेविगेट कैसे कर सकते हैं वो है हमारा। और सबसे मेन जो अभी मैंने नहीं बताया है कि गूगल शीट जो चाहिए हम करते हैं, गूगल शीट जो भी शीट पे जो भी हम वर्क करते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए जब भी हम कोई नई शीट क्रिएट करते हैं, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, मतलब अभी हमने स्प्रेडशीट को कोई नाम नहीं दिया है, तो हम करते हैं गूगल शीट क्लास वन, गूगल शीट क्लास वन हम करेंगे। इसका मैंने शीट का नाम दे दिया, मेरी जो वर्कशीट है उसका नाम दिया है। शीट वन में क्या है, अगर हम इसको रीनेम कर देते हैं, शीट वन को क्या कर देते हैं, हम रीनेम कर देते हैं, शीट वन को हम रीनेम करते हैं तो हम इसको दे देते हैं बेसिक, बेसिक या इंट्रोडक्शन, इंट्रो इंट्रो इंट्रोडक्शन कर देती हूँ सिर्फ मैं इसको। मैंने ये इंट्रोडक्शन कर दिया। देन उसके बाद हम ये शीट्स के ही फंक्शन समझ लेते,
ये तो मैंने कर दिया शीट, मैंने जो मेरी वर्कशीट है उसका नाम चेंज कर दिया, और मैंने क्या किया, जो मेरी शीट नेम है, शीट वन का जो नाम है वो मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे करना है। इसका सबसे, गूगल शीट का सबसे प्लस पॉइंट है कि जितनी भी चीजें आप इसमें क्या करते हो, लिखते जाते हो, वो ऑटोमेटिक सेव होती जाती है। मतलब आपको सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो भी आप टाइप कर रहे हो वो सेव होता जाएगा। मतलब एक्सेल में क्या है, मान लीजिए आपने पूरी शीट रेडी कर ली और गलती से आप उसको सेव करना भूल गए और वो आपने उसकी विंडो क्लोज कर दी, या लेट सपोज लाइट चली गई और आपके यूपीएस में बैकअप नहीं था, वो बंद हो गई सडनली, तो आपका सारा काम वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो आपने डाटा सेव नहीं किया हुआ था। लेकिन गूगल शीट के साथ ऐसा नहीं है। इसमें जो भी आप लिखते हो, जो भी टाइप करोगे, जितनी भी वर्किंग करोगे आप, वो टोटली क्या होगी, सेव होती जाएगी। इसमें आपको कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये ऑलरेडी सेव हो गई है। देखिए यहाँ पे सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव, ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव। मतलब जितने जो भी हमारी गूगल शीट पे हम वर्क करते हैं वो सारी कहाँ पर जाकर सेव होती है, हमारी गूगल ड्राइव में। अब गूगल ड्राइव क्या है, वैसे तो सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। गूगल ड्राइव क्या है, जैसे हम अपना गूगल अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, गूगल अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा, मेरा ये क्या है, जीमेल अकाउंट है। जीमेल अकाउंट के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो एप्स दी होती हैं, गूगल एप्स जो दी हुई होती है, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। गूगल एप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ड्राइव का ऑप्शन है। हम जब ड्राइव पे क्लिक करेंगे, जब हम क्या करेंगे, ड्राइव पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, इस तरीके से ओपन होकर आएगा। वैसे मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप क्या कर रहे हो, गूगल शीट पे काम कर रहे हो, तो वो सबसे पहले आप उसको क्या कर लो, गूगल शीट में, गूगल ड्राइव पर जाने के बाद सेव कर लो। अब जैसे यहाँ पे सेव नहीं, पहले ही इसको क्रिएट कर लो। अब जैसे यहाँ पर मुझे वर्क करना है, मुझे क्या लेना है, न्यू लेना है, तो अगर मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ से भी क्या कर सकती हूँ, गूगल शीट को ले सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से गूगल शीट को ले सकती हूँ कि ब्लैंक स्प्रेडशीट लेनी है या फिर टेम्पलेट से लेनी है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप क्या करो, पहले फोल्डर क्रिएट करो, पहले क्या करो, फोल्डर क्रिएट करो। फोल्डर प्लस कर लिया हमने, फोल्डर का नाम दे दिया, हमारे क्या हो गया, गूगल शीट, गूगल शीट क्लासेस, गूगल शीट क्लासेस मैंने ये क्रिएट कर दिया। ये यहां पर मेरा गूगल शीट क्लासेस के नाम से ये फोल्डर बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, न्यू शीट ले लूंगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी। मैं या तो यहाँ पे क्या करूंगी, राइट क्लिक करके यहाँ से गूगल शीट ले सकती हूँ, या फिर दूसरा क्या कर सकती हूँ, जो प्लस का साइन आ रहा है न्यू पे, यहाँ से भी गूगल शीट ले सकती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल शीट लूंगी, मैं इसको नाम दे देती हूँ। यहाँ पे भी देखो, गूगल शीट का नाम पहले यहाँ पे क्या आता है, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। मैं इसको रीनेम कर देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्लास 1। ये क्या है, मेरी क्लास 1 है, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लास 1 कर दिया। देखिए यहाँ पे सेविंग आ रहा है और ये सेव टू ड्राइव हो चुका है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इसमें जो भी लिखूंगी वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए आप, सेविंग सेविंग एंड सेव टू ड्राइव एंड सेव टू ड्राइव। अब मैं इसको, मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मैंने बाकी कुछ नहीं किया। तो देखिए यहां पर ये मेरी गूगल शीट आ चुकी है, और इसके बाद अगर मैं अब इस पे क्लिक करती हूं तो क्या होगा, जो मैंने लिखा था वो क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। जो भी मैंने क्या किया था, लिखा था यहाँ पर, वो क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। और साथ में यहाँ पे क्या बताता है, लास्ट एडिट कब हुआ था, वो भी यहाँ पर हमें बताता है। जैसे यहाँ पे क्या है, लास्ट एडिट वॉज सेकेंड सेकेंड्स एगो, सेकेंड्स एगो। अभी जब हमने क्लोज किया और इसको ओपन कर दिया, 1 मिनट तो हो ही नहीं है, तो इसीलिए क्या दिखाया यहाँ पे, क्या हो रहा है, लास्ट जो एडिट हुआ है वो सेकेंड्स एगो पहले हुआ है ना। तो हम यहाँ पे, ये मेरा हो गया।
अगर मुझे न्यू करनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप, जब भी आप कोई काम करते हो, मैं अगर इसको क्लोज करती हूँ तो कहाँ जाएगी ये शीट, अगर मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव। अभी मैंने कोई फोल्डर में इसको क्रिएट नहीं किया था, अभी मैंने फोल्डर में मूव नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो इसको स्टार दे सकते हैं, स्टार पता ही आपको किस लिए देते हैं गूगल के अंदर, कि वो मेरी शीट जो अलग से हाईलाइट हो। मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ जो भी मेरे फोल्डर्स हैं, ये मेरा आ गया है, ये दूसरी ड्राइव है, ये अभी दूसरी ड्राइव आ रही है, इसीलिए मैं मूव नहीं कर रही हूँ इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे सी डॉक्यूमेंट चेंजेस सेव टू ड्राइव, तो ये उसी ड्राइव में सेव हुए हैं, ये दूसरी ड्राइव में सेव हुए हैं, ये मेरी वाली ड्राइव में सेव नहीं हुए हैं, है ना। यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, शेयर वाला ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम शेयर कर सकते हैं, किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी शीट की बात हो रही थी, वो हम कंप्लीट करते हैं यहाँ से। तो ये क्या हुआ, डुप्लीकेट, अगर हमें क्या करनी है, कोई भी शीट डुप्लीकेट करनी है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे इंट्रोडक्शन की ही क्या करनी है, शीट डुप्लीकेट लेनी है, तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया और मेरे सेम जो डुप्लीकेट यहाँ पर इसकी क्रिएट हो गई है कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन करके। अगर मान लीजिए मुझे, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और कॉपी टू करती हूँ, कॉपी टू में क्या होता है, दो चीजें हैं, कॉपी टू में भी सेम ही है, मतलब जैसे डुप्लीकेट हमारा है वैसे ही कॉपी टू भी है सेम, उसमें बस एक ही ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमें क्या जो कॉपी करना है वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना है या फिर जो न्यू स्प्रेडशीट है उस पे करना है। मान लीजिए मैंने कॉपी टू कर दिया न्यू स्प्रेडशीट पे, मैंने क्या कर दिया, कॉपी टू कर दिया न्यू स्प्रेडशीट पे, एंड देन ओके, ओपन स्प्रेडशीट क्या करना है हमें, ओके करना है, या यहीं पे क्लिक कर लेती हूँ, मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है अनदर न्यू शीट पे, न्यू वर्कशीट पे कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ तो देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी टू का आ रहा है, डिलीट सेम एज इट इज। अच्छा, एक बहुत अच्छी इसमें चीज है कि अगर आपसे कोई शीट डिलीट हो जाती है तो इसमें क्या रिकवर हो सकती है, हमारे एक्सेल में तो रिकवर नहीं होती है, कोई भी अगर मैं एक्सेल में शीट गलती से मेरी डिलीट हो गई तो मैं उसको रिकवर नहीं कर सकती। मतलब मैं अगर कंट्रोल जेड करना चाहूं, जैसे मैंने कोई भी डाटा लिखा डिलीट किया तो उसको अंडू कर देती हूँ, कंट्रोल जेड कर देती हूँ, मेरी आ गई। लेकिन अगर अगर शीट ही डिलीट हो जाए, अगर कोई शीट डिलीट हो जाए तो क्या करें, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये कॉपी टू इंट्रोडक्शन है, मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस शीट, मैंने ओके किया, ये शीट डिलीट हो चुकी है, लेकिन वो मैंने गलती से डिलीट की। अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, अंडू करना चाहती हूँ, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो ये आप देख सकते हो कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर मेरी दोबारा से शीट आ चुकी है। तो ये गूगल शीट के अंदर प्लस पॉइंट है कि अगर हमारी कोई भी शीट डिलीट हो जाती है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिकवर इन द सेंस कि हम अंडू कर सकते हैं तो हमारी शीट भी वापस आ जाती है। लेकिन एक्सेल एक्सेल के अंदर अगर हम हमारा कोई भी डाटा हम डिलीट कर देते हैं, उसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं, लेकिन शीट को अंडू नहीं कर सकते हैं हम। उसके बाद है यहाँ पर चेंज कलर, हमें इस शीट का जो है, शीट का जो की जो टैब है उसका कलर चेंज करना है, जैसे हम एक्सेल में करते हैं इसमें भी कर सकते हैं सेम, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे मैंने इसमें ब्लू कलर दे दिया तो उसमें क्या होता था, पूरी टैब कलर होती थी, बट इसमें क्या होता है, नीचे बॉर्डर में कलर चेंज, नीचे लाइन में ही सिर्फ कलर चेंज होता है। जैसे हम इंट्रोडक्शन को चेंज कर देते हैं, इंट्रोडक्शन का कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कर दिया, तो ये देखिए इसमें नीचे होता है, इसमें पूरी टैब जो है वो फिल नहीं होती है। उसके बाद क्या है,
चेंज कलर कर दिया। प्रोटेक्ट शीट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। हाइड शीट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाइड शीट क्या है, मैंने ये यहाँ पे शीट हाइड कर दी। मैंने क्या किया, ये शीट हाइड कर दी। तो शीट हिडन यहाँ पे हमें बता रहा है कि शीट हिडन यहाँ पे है, तो अगर उसे हम हाइड करते हैं तो क्या करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने प्लस कर दी। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन, बट ये हाईलाइट नहीं हो रहा जैसे ये बाकी हाईलाइट हो रहे हैं। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगी तो ये शीट क्या होगी, अनहाइड हो जाएगी। ये शीट क्या होगी, अनहाइड हो जाएगी। देन उसके बाद और क्या ऑप्शन है हमारे, हाइड शीट हो गया। कमेंट अगर कोई लिखा हुआ है हमारे इस शीट पे, कोई कमेंट है अगर वो हमें देखना है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, व्यू कमेंट्स पे जा सकती हूँ, वो मैं चेक कर सकती हूँ। उसके बाद मूव राइट मूव लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से क्या है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, मूव लेफ्ट जाना है, मैं वो कर सकती हूँ, मतलब कि इस शीट को मूव करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। अगर राइट मूव करना है मैं वो कर सकती हूँ, लेफ्ट मूव करना है मैं वो भी कर सकती हूँ। उसके बाद क्या है, अभी तो मेरी यहाँ पर शीट्स क्या है, मुझे शीट्स एड ऑन करनी है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्लस का साइन है, मैं अगर उसको प्लस को साइन को करूंगी तो यहाँ पे शीट्स एड होती चली जाएंगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी शीट्स सारी क्या हो रही है, एड होती जा रही है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मुझे शीट्स पे नेविगेट करना है, इतनी सारी शीट्स हैं मुझे ढूंढना होगा, वन बाय वन जाना होगा। तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पे नेविगेट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आ रहे हैं ऑल शीट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस भी शीट पे जाना है मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ और मैं उसी शीट पे नेविगेट हो जाऊंगी। तो ये तो हुए हमारे शीट्स के ऑप्शन। अगर हमें शीट प्लस करनी है तो क्या करना है, डिलीट करना है, तो सिंपली मैं इनको डिलीट कर दूंगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इनको डिलीट कर दूंगी। इन शीट्स को मैं क्या करूंगी, डिलीट कर दूंगी। सॉरी कॉपी कर दी मैंने। मैंने ये सारी शीट्स क्या कर दी हैं, डिलीट कर दी हैं। इंट्रोडक्शन और जो मैंने कॉपी की थी वो अभी मैंने रखी है। उसके बाद अब मैं बात करती हूं शॉर्टकट कीज की। शॉर्टकट कीज के लिए क्या है, अगर मुझे इनेबल करने हैं, मतलब शॉर्टकट कीज मुझे कैसे यूज करनी है वो हमें देखना है इस पे। तो शॉर्टकट कीज के लिए मैं क्या करूंगी, एड ऑन्स पे जाऊंगी, यहाँ पर हेल्प पर जाऊंगी। हेल्प पर जाने के बाद मैं क्या करूंगी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मैं क्या करूंगी कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाऊंगी। और यहाँ पर जैसे मैं गई, यहाँ पर जाने के बाद मुझे शॉर्टकट कीज यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, मुझे शॉर्टकट कीज शो हो रही है। जैसे एडिटिंग के लिए मुझे करना है तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज शो हो रही है। जैसे पेस्ट फॉर्मेट के लिए करना है तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी अगर हम करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होंगी। कॉपी करना है तो क्या है, कट करना है तो क्या है, कंट्रोल एक्स भी है, शिफ्ट प्लस डिलीट भी है कट करने के लिए, डिलीट रो करनी है तो वो भी है, फिल डाउन करना है वही कंट्रोल डी है, फिल रेंज करनी है तो क्या है, कंट्रोल एंटर है, फिल राइट करना है कंट्रोल आर है, ग्रुप करना है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो की है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर है, ये सारी कीज यहाँ पर दी हुई है। लिंक इंसर्ट करना है तो क्या है, मेन्यूज है तो क्या है, फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, अलाइन सेंटर के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, अलाइन लेफ्ट करना है तो एल हो गया, एल मतलब लेफ्ट, राइट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर राइट, आर फॉर राइट लेफ्ट है ना। तो ये डाटा की अगर हमें शॉर्टकट कीज देखनी है तो वो यहाँ पर हमें दी हुई है। अब हमें ये अगर शीट्स क्या है, ये शॉर्टकट कीज अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इनेबल कॉम्पिटेबल स्प्रेडशीट शॉर्टकट्स, यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सारी शीट्स अभी क्या होती, हाईलाइट नहीं होती, अब यहाँ पे हमारी सारी क्या हो रही है, शॉर्टकट कीज हाईलाइट हो रही है।
इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल पी पेस्ट करके एक किसी भी वर्ड फॉर्मेट में इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से हम बार बार देखेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद क्या है, व्यू कॉम्पिटेबल शॉर्टकट, तो हम इसको कॉम्पिटेबल स्प्रेडशीट के शॉर्टकट्स को इस तरीके से भी दे सकते हैं कॉम्पिटेबल फॉर्म में। 134 शॉर्टकट कीज यहाँ पर दी हुई है और इनको सबको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, सर्च करना है कि हमें कोई शॉर्टकट कीज चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू पेस्ट की देखनी है मुझे, तो पेस्ट फॉर्मेट ओनली, पेस्ट वैल्यूज ओनली, है ना, तो यहाँ पर हमारी शो कर रही है। या कोई और शॉर्टकट कीज देखनी है तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आप कोई डाटा रेडी कर रहे हो और जिसके लिए आप डाटा रेडी कर रहे हो उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो आप ऐसी प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो कि आपको वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी चाहिए, मतलब इंग्लिश में अगर कोई नाम लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन वो आपको क्या चाहिए, हिंदी में भी चाहिए, तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे गूगल शीट के अंदर ये प्लस पॉइंट है कि अगर हमें कुछ इंग्लिश में डाटा लिखा है वो हिंदी में चाहिए तो वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपना इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने में, या एक्सेल के अंदर हमें हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो वो इश्यू होता है, तो हम ये कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। जैसे यहाँ पे है इज इक्वल टू ट्रांसलेट, जूम इन लेवल मैंने कम कर दिया है, अब 100 थोड़ा सा कम लग रहा है, ये ठीक है। यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा, इज इक्वल टू हम
गूगल ट्रांसलेट, जैसे हम क्या करते हैं गूगल ट्रांसलेट करते हैं, अब हमें ट्रांसलेट किसको करना है, हमें क्या करना है उसका टेक्स्ट, ये हमें ये क्या करना है, हमें इसको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद किसमें करना है सोर्स लैंग्वेज, ये किसमें है डबल कोट्स में हम पास करेंगे en, अभी ये किसमें है इंग्लिश में, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें टारगेट लैंग्वेज मतलब हमें किस लैंग्वेज में चाहिए हिंदी में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे hi डबल कोट्स में, बट हमें क्या करना होगा वो डबल कोट्स में पास करना होगा एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। तो ये देखिए लोडिंग हो रहा है, अब उसके बाद क्या है गूगल शीट आ चुका है, तो गूगल को उसने, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट जब हम कर रहे थे तो उसको उसने इंग्लिश में ही रखा है, लेकिन अगर हम बाकी को ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, एक्सेल जीएसटी करना आयकर है ना, कोई भी अगर नाम है लेट सपोज मेरा ही नाम है, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, टेक्स्ट ये हो गया, फिर है सोर्स लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज डबल कोट्स में पास करेंगे en, फिर डबल कोट्स क्लोज करेंगे देन कॉमा, फिर है टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज क्या है हिंदी डबल कोट्स एंड देन। अच्छा एक चीज और है, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं जब भी हमारा क्या है गूगल शीट के अंदर सिंटैक्स तो होता ही है, साथ में इसमें क्या होता है एग्जांपल हमें दिया होता है जो हमें इजी होता है समझने के लिए, जब हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसको समझने के लिए इजी होता है क्योंकि हमें एग्जांपल दिया हुआ होता है, लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, सिंटैक्स ही सिर्फ अवेलेबल होता है। जैसे अब यहाँ पे क्या है सिंटैक्स तो है ही, सिंटैक्स क्या है गूगल ट्रांसलेट, ब्रैकेट में क्या है टेक्स्ट देना है, फिर सोर्स लैंग्वेज है और फिर टारगेट लैंग्वेज है, दैन उसके नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है जब हम क्या करेंगे होला, जैसे होला है तो वो ES जो भी इसकी सोर्स लैंग्वेज है वो हो गई, फिर जिसमें भी चाहिए जैसे en हिंदी में चाहिए तो इसने en कर दिया, यहाँ पे en इंग्लिश हो गया, हिंदी में चाहिए मुझे यहाँ पे hi कर दिया एंड देन एंटर, यहाँ लोडिंग हो रहा है तो ये नाम मेरा आ गया। अब मुझे यही क्या चाहिए हिंदी, अभी हिंदी में है तो मुझे इंग्लिश में चाहिए, मुझे क्या चाहिए इंग्लिश में चाहिए, फिर मैं क्या करूंगी गूगल ट्रांसलेट, टेक्स्ट क्या है मेरा ये वाला है, सोर्स लैंग्वेज क्या है मेरी डबल कोट्स में hi पास करूं hi लिखूंगी देन कॉमा, और टारगेट लैंग्वेज मतलब, टारगेट लैंग्वेज मतलब मुझे जिसमें चाहिए तो उसके लिए en ब्रैकेट में डबल कोट्स में सॉरी एंड देन एंटर। तो यहां पर क्या है मेरा इंग्लिश में भी आ चुका है कि ये क्या है। तो ये हुआ मेरा, अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट क्या करना है ट्रांसलेट करना है, कोई हिंदी है तो उसको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश है तो हिंदी में करना है तो क्या करना है, देन उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है कि जो हमारी कीज हैं अगर उनको क्या करना है मुझे शॉर्टकट कीज को एनेबल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, देन उसके बाद है हम फाइल से स्टार्ट करते हैं, फाइल में हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं, फाइल में अगर हम जाते हैं शेयर का ऑप्शन है, शेयर हम कैसे करते हैं, न्यू, न्यू में क्या है स्प्रेडशीट चाहिए या फिर कोई टेम्पलेट से चाहिए वो हम देख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है कोई प्रेजेंटेशन है लेनी है या फॉर्म है ड्राइंग है वो हम कर सकते हैं, कंट्रोल ओ ओपन करना है कोई भी फाइल हमें क्या करनी है कंट्रोल ओ, कोई भी प्रीवियस फाइल अगर मुझे ओपन करनी है वो मैं यहाँ से ओपन कर सकती हूँ, देन उसके बाद है इम्पोर्ट, अगर मुझे फाइल यहाँ पे इम्पोर्ट करनी है कोई भी फाइल वो मैं कर सकती हूँ, कॉपी बनानी है इस वर्कशीट की मुझे क्या करनी है कॉपी बनानी है, ये जो जिस भी इस वर्कशीट में जीएस क्लास वन में जो मैं काम कर रही हूँ उसकी कॉपी बनानी है वो हम कर सकते हैं, उसके बाद क्या है सेव एज अटैचमेंट अगर सॉरी ईमेल एज अटैचमेंट, अगर मुझे यही फाइल किसी को एज अ अटैचमेंट भेजनी है वो मैं भेज सकती हूँ, डाउनलोड करनी है। अच्छा ये जो गूगल शीट है अब ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो गूगल शीट है क्या हम उसको एक्सेल की तरह, अगर मान लीजिए मेरे पास डाटा नहीं है मेरे पास नेट नहीं है और मेरे पास मेल, या फिर आप कह सकते हो कि मेरे को ऑफलाइन यूज करनी है, ऑफलाइन नहीं कि मेरे को ये ना मेल के साथ साथ मुझे अपने सिस्टम पे ये अलग से डाटा चाहिए, मैंने जो रेडी किया
वो तो सब कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरे पास एक्सेल में भी आ जाए, तो क्या वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो हाँ, वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में हम इसको जैसे भी हमें डाउनलोड करना है, जिस भी शेप में, वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया हुआ है, उसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिया हुआ है, पीडीएफ में कर सकते हैं, वेब पेज में कर सकते हैं। तो जो भी हमें करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सीएसवी फाइल में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेक ऑफलाइन, अब क्या है कि आप ये सोचिए, अब अगर मान लीजिए आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर आप मान लीजिए आपका नेट स्लो चल रहा है, आपको नेट पे नहीं करना है, तो आप उसको ऑफलाइन आपको वर्क करना है उस पर, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, एक बार मेक ऑफलाइन अवेलेबल को मेक अवेलेबल ऑफलाइन को ओके कर देंगे। देन उसके बाद अगर आप डाटा अपना बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जितने भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं वो सब सेव हो जाएंगे, और जैसे ही आपका क्या हो सारा डाटा रेडी हो जाए, फिर वो आप उसको ऑनलाइन आ जाइए, और फिर वो आपका एज इट इज डाटा सेव हो जाएगा आपका ड्राइव पे। तो आप इसको ऑफलाइन भी वर्क चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वर्जन हिस्ट्री का। वर्जन हिस्ट्री में क्या है, मान लीजिए आपने एक दिन पहले क्या चेंजेस किए हुए थे वो आप देख सकते हो उसमें, मतलब सारी हिस्ट्रीज आप चेक कर सकते हो उसमें, जब जब जो जो चेंजेस हुए हैं, और आपको उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है उस हिस्ट्री को, क्या करना है, रिस्टोर करना है। मान लीजिए मैंने क्या किया था, ये शीट थी, मैंने क्या किया, आज जो मेरी सुबह की अपडेट थी इसमें कल तक का डाटा अपडेट था, और जो आज मेरी सेल हुई शाम तक, मैंने वो क्या कर दिया, सब इसी में एड ऑन करती चली गई। अब मुझसे मेरे बॉस ने पूछ लिया कि कल वाला जो डाटा था, कल वाली सेल कितनी थी, ना तो वो मैंने सेल फिगर कहीं लिखी थी और ना ही ये मेरे माइंड में था, तो अब मैं क्या करूं, अब कल वाली सेल फिगर कैसे बताऊं, मैंने तो इसमें सारा ऐड ऑन कर चुकी हूं, आज वाली सेल भी ऐड हो चुकी है, तो कल वाला जो डाटा है वो कैसे बताऊं। एक्सेल में ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, जो करंट का डाटा है हम उसमें ऐड करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, प्रीवियस क्या था वो नहीं पता हमें, तो लेकिन एक्सेल के अंदर हमारा, सॉरी गूगल शीट के अंदर हमारा ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसमें हमारा डाटा कोई ये नहीं कि करंट डाटा हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा या चला जाएगा, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम पुरानी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और करंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं वर्जन हिस्ट्री पे क्या चेक यहाँ पे आती हूँ, तो एक तो है नेम करंट वर्जन और सी है, और दूसरा है सी वर्जन हिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे अगर सी पर देखती हूँ तो हमने कब कब इसमें चेंजेस हुए वो हमें शो कर रहा है, और मैं यहाँ से इसको क्या कर सकती हूँ, रिस्टोर भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये तो अभी का है, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, कोई नहीं, ये लोड होता रहेगा, वो गूगल ट्रांसलेट वाला है वो थोड़ा लोड होने का में वर्क दे रहा है। तो देखिए ये जो मैंने फर्स्ट चेंजेस किए थे वो यहाँ पर शो कर रहा है, कब, 157 पे जो थे, ये 257 और ये 157 का हमें शो कर रहा है। तो 157 पे क्या था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था, तो ये ब्लैंक है, तो मैं इसको रिस्टोर, यहाँ पे रिस्टोर दिस वर्जन है, इसको रिस्टोर भी कर सकती हूँ। बट मैं अभी करंट वाले वर्जन पर ही आती हूँ, तो वो मैं यहाँ पर आ गई हूँ करंट वाले वर्जन पर ही, और मैं इसको वर्जन हिस्ट्री को क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। मैंने क्या किया, वर्जन हिस्ट्री को क्लोज कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल आ गई। उसके बाद है मुझे शीट को रीनेम करना है, वर्कशीट को, वो मैं कर सकती हूँ। इस वर्कशीट को मूव करना है तो वो मैं मूव कर सकती हूँ, मैंने पहले भी बताया था आपको। उसके बाद है और शॉर्टकट, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। डिलीट करना है वो भी कर सकती हूँ। पब्लिश टू द वेब, वो अलग हो गया। तो इस तरीके से मैं जो मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ। तो ये तो मैंने बताया कि हम किस तरीके से अपनी जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। पुरानी हिस्ट्री अगर हमें देखनी है सिर्फ,
तो हम इजीली देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट हम गूगल शीट के अंदर ये सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। इवन ये काफी हेल्पफुल भी करती हैं, अगर आपको किसी का देखना है कि पास्ट क्या चेंजेस हुए तो वो भी आप देख सकते हो, मतलब कि कल किसने क्या वर्क किया था वो आप चेक कर सकते हो, और कल से लेके आज तक क्या अपडेट उसमें हुई है। क्या होता है ना, कई बार अगर हम एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं कि हाँ इतना कर दिया हमने, ये कर दिया, तो आप उसमें इजीली चेक कर सकते हो। आपको बार बार रिपोर्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या चेंजेस किए या कल से लेके अब तक क्या अपडेट की। आप सीधे उसको चेक कर सकते हो, वर्जन हिस्ट्री में जाकर आप चेक कर सकते हो कि पहले उन्होंने क्या वर्क किया होता और तब से लेके अब तक कितना अपडेट उसमें किया है। देन उसके बाद एक्सेल में एक चीज और है, सॉरी गूगल शीट में, मान लीजिए मैं कोई भी प्लस कर रही हूं, 2 + 2 कितना होता है हमारा, 4 होता है। अगर मैं इसको क्या करती हूं, चेक करती हूं 2 + 2, तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या है, हैंड टू हैंड शो कर रहा है 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, वो यहां पर मेरा बता रहा है। अगर मैं इसको 2 + 2 × 1 करती हूँ या -1 करती हूँ, तो हैंड टू हैंड मेरा जो आउटपुट है वो क्या होगा, ऊपर शो होता रहेगा। मैं इसमें जितना भी प्लस करती हूँ, या मैं प्लस करती चली जाऊं या मैं माइनस करती हूँ इसमें, तो जो जो यहाँ पर मेरा आउटपुट निकल के आने वाला है, अगर मैं एंटर करती हूँ तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट में देखती हूँ तो यहाँ पर मेरा जो ऊपर जो शो कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, 6 ही शो कर रहा है। अगर इसमें क्या करती हूँ मैं, अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है हमें ये देखना है। हमारा जो मैथ मैथ में क्या होता है, सिस्टमेटिक चलता है, मतलब पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस होगा और फिर प्लस होगा, इस तरीके से चलता है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 2 + 2 = 4 हो गया, 4 में से 1 गए तो 3 बचेगा, 3 और 5 = 8 हो गए, और 8 में से 2 गए तो 6 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, जो जो हम इसमें देते जा रहे हैं ये फंक्शन उसके अकॉर्डिंग देते जा रहा है। अब मैं अगर इसको क्या करती हूँ, ब्रैकेट में कर देती हूँ, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, इसीलिए ये सेम शो कर रहा है। मान लीजिए मैंने अब इसको प्लस कर दिया, तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया हमारा, -7 हो गया। अभी तक हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो 6 आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको ब्रैकेट्स में दे दिया वो चेंज हो गया, तो क्या आ गया, -4 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं या कोई भी कुछ कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्या करेगा, ऊपर ही हमारा आउटपुट शो करता रहता है। जो भी हमारा आउटपुट आता जाएगा, हम उसे प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम किसी को कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये जनवरी है, इक्वल टू मैंने इसको क्या किया, डिवाइड बाय, मान लीजिए मैंने एक मंथ की क्या कर ली, एवरेज सेल ले ली, और मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको × 12 से, तो जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो मेरा यहाँ पर ये शो कर रहा है, कितना आने वाला है, 1,86,012। तो ये अगर मैं एंटर करूंगी तो वो भी यही आएगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर मैं प्लस या माइनस कर रही हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको एंटर करके देखना होगा और उसका आंसर चेक करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे -4 था, मैं इसको अगर यहाँ पे करती हूँ, मैं सिलेक्ट करके सिर्फ मुझे इसका आउटपुट देखना है, मुझे सिलेक्ट करके इसका आउटपुट देखना है, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है सिर्फ क्या, 4, जो मेरा जो इसका आउटपुट है वो क्या आएगा, 4 आएगा। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहती हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट मेरा क्या आएगा, 6, तो मैं इसका देख सकती हूँ। मैं अगर मान इसका देखना चाहूँ तो इसका कितना आएगा, 4, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है, 5 और 1 = 6, 6 में से -2 गए तो 4। तो इस तरीके से मुझे सिर्फ कुछ का आउटपुट देखना है, सिर्फ उतने ही डाटा को सिलेक्ट करके उसका आउटपुट देखना है, तो मैं वो भी इजीली देख सकती हूँ। तो ये हुआ मेरा, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। सेल रेफरेंस क्या है वो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे मैंने सेल रेफरेंस दिया हुआ है, सेल रेफरेंस का क्या यूज है वो मुझे दोबारा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी एक्सेल में पता है कि सेल का रेफरेंस क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, मैं दोबारा बताऊंगी यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव, लेकिन है वही जो हमारा एक्सेल के अंदर था। देन उसके बाद मैं हाइपरलिंक की बात करती हूँ, यहाँ पे क्या है हमारा लिंक की, मैं इंसर्ट लिंक की बात करती हूँ, तो लिंक,
लिंक की अगर हम बात करते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा शीट वन, मैंने यहाँ शीट वन लिखा, शीट टू थ्री कर दिया, कोई नहीं, मैंने इसको क्या किया, लिंक क्रिएट किया। तो लिंक में यहाँ पे अरे टेक्स्ट करना है या शीट वन को करना है या फिर कोई और लिंक है तो उसको करना है, वो भी मैं कर सकती हूँ कंट्रोल के। तो मैंने शीट वन को क्या कर दिया, लिंक कर दिया एंड एंटर। मैं इस पर जाती हूँ शीट टू पे, कंट्रोल के करती हूँ, मैंने शीट टू को किया, नहीं अभी क्रिएट नहीं हुआ है लिंक, सीट्स इन दिस स्प्रेडशीट्स मैंने किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्चुअली नीचे हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम है। अब मैं क्लिक करती हूँ शीट वन, शीट टू पे मैं करती हूँ, शीट टू पे मैं इसको क्या करती हूँ, लिंक क्रिएट करती हूँ, कंट्रोल के करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शीट इन दिस स्प्रेडशीट। देखिए एक तो ये आ रहा है कि हम टेक्स्ट को कर सकते हैं, दूसरा क्या आ रहा है, शीट्स इन दिस स्प्रेडशीट है या किसी शीट्स इन स्प्रेडशीट। इसमें दो स्प्रेडशीट है हमारी, एक तो इंट्रोडक्शन है, एक कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन है। तो मैंने क्या किया, कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन को कर दिया, देन अप्लाई कर दिया। तो यहां पर मेरा क्या हो गया है, जो लिंक है वो क्रिएट हो चुका है, जो मेरा क्या है लिंक है वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर इस पे जाती हूँ तो यहाँ पे ना प्रीव्यू भी शो करता है, यहाँ पे क्या है, जो मेरा प्रीव्यू है वो भी शो करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन यहाँ शो कर रहा है, अगर मुझे इसको कॉपी, इस लिंक को कॉपी करना है मैं वो भी कर सकती हूँ, एडिट करना है इस लिंक को वो भी कर सकती हूँ, और लिंक को रिमूव करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करती हूँ तो मैं अपनी जो कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन है, देख सकते हो अब मैं कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन पे आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगी। तो इस तरीके से शीट का, अगर हमें उस वर्क बुक के शीट्स का लिंक देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। अब दूसरा क्या है, हमें जैसे मैं शीट वन पे आती हूँ, शीट वन पे आने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल के किया, मैंने शीट पे आने के बाद क्या किया, कंट्रोल के किया। एक तो टेक्स्ट है कि हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, दूसरा है स्प्रेडशीट, शीट्स इन दिस स्प्रेडशीट भी दे सकते हैं, तीसरा है सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू लिंक। मैं क्या चाहती हूँ, इस सेल्स को लिंक कर देती हूँ, मैं रेंज दे देती हूँ, मैंने ये इतनी रेंज दे दी इस पे, यहाँ पे मेरी इंट्रोडक्शन की ये रेंज आ चुकी है A3 से F8 तक, एंड देन मैंने ओके कर दिया एंड देन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगी, अप्लाई करूंगी, मैं क्या करूंगी शीट वन को जैसे ही अप्लाई करूंगी, एंटर करूंगी, इस पे मैं एंटर करूंगी तो मेरी यहाँ पर, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये मैं इस तरीके से, कोई और रेंज भी देनी है तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये सिलेक्टेड रेंज हो गया, एक हो गया कि मुझे क्या करनी है, इस वर्कबुक की शीट्स को लिंक करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ, एंड तीसरा है कि अगर मुझे कोई भी क्या करना है, मैं शीट थ्री पे आ जाती हूँ, शीट थ्री नहीं मैं कुछ और लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ गूगल, मैंने क्या किया गूगल लिखा। अब मैं इसको कंट्रोल के करती हूँ, कंट्रोल के करने के बाद यहाँ पे लिंक आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारी साइट है या कुछ है तो उसका भी अगर हमें लिंक देना है मैं वो भी कर सकती हूँ। अब जैसे गूगल का तो वैसे तो सभी को पता होता है, इजी होता है, बट अगर मैं यहाँ पे, मैं गूगल शीट का ही, चलो मेरे को देना है, मुझे क्या करना है गूगल शीट का देना है, गूगल शीट का लिंक देना है, जैसे ये वाला आ जाए तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, कंट्रोल सी कर लूंगी इस वेबसाइट को, और यहाँ पर क्या करूंगी मैं, यहाँ पर पहले मैं इसको गूगल की जगह गूगल शीट कर देती हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल के कर लेती हूँ,
और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी कर देती हूँ और इसको अप्लाई कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो लिंक है वो आ चुका है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगी मेरा जो गूगल शीट का फॉर्म है वो आ चुका है। जैसे देखिए मैंने यहाँ से दोबारा से क्लोज कर दिया है, ये भी पहला वाला भी क्लोज कर दिया है। अब मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करूंगी यहाँ पर मेरा ये लिंक आ चुका है। तो इस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ। तो ये तो हुआ हमारा हाइपरलिंक। मुझे अगर हाइपरलिंक क्या करना है, शीट्स विद इन द शीट्स को हाइपरलिंक करना है तो कैसे करना है, किसी पर्टिकुलर रेंज को करना है तो कैसे करना है, किसी साइट का रेफरेंस देना है, कोई कोई लिंक कॉपी करना है तो वो हम कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ मेरी 15,501 हुई, इनकम टैक्स की इतनी हुई और जीएसटी की इतनी हुई और एक्सेल की इतनी हुई। गूगल शीट के मान लीजिए हमने कर दिया 55,000, किसी ने डाटा एंट्री कर दिया क्या 55,000 की हमारी गूगल शीट हुई। अब वो हम ये सोच रहे कि हमारी गूगल शीट तो इतनी, अभी मैंने कहा कि जनवरी में तो सेल ही नहीं हुई गूगल शीट, तो किसी ने शायद गलती से कोई डाटा एंट्री गलत कर दी हो या कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, या हो सकता है सेल भी हुई हो और हमें नहीं पता हो। तो यहाँ पे क्या किया, मैं जो भी ये डाटा जिसने फीड किया या फिर जो भी है, यहाँ पे क्या किया कमेंट इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे हम उसको कमेंट को दे सकते हैं कि प्लीज चेक इट इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे किसी को नाम दे के भी आप कर सकते हो, प्लीज चेक इट। इट इज ओके और नॉट, कुछ भी जो आप देना चाहो एंड देन कमेंट। ये यहाँ पे मेरा कमेंट ऐड हो गया है। अब जो भी इस डाटा को होगा या ये डाटा जिसने भी ऐड किया होगा तो वो मैं क्या कर, वो यहाँ से चेक कर सकता है कि चेक करना है। मैं यहाँ पे नाम भी लिख सकती थी, जो भी मतलब नाम था तो वो भी मैं यहाँ पे क्या कर सकती थी, लिख सकती थी। अब जैसे ये मेरी क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी, मैंने कहा ये ठीक है, मैंने क्या कहा ये ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, मार्क एज रिजोल्व एंड हाइड डिस्कशन। जो डिस्कशन हुआ है हमारा वो भी मैं क्या कर सकती हूँ, हाइड कर सकती हूँ। एडिट करना चाहूं मैं, आप देखिए रिप्लाई करना है मुझे तो मैं यहाँ पे इसका रिप्लाई भी कर सकती हूँ। यस, इट इज करेक्ट एंड देन रिप्लाई भी मैंने कर दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमने क्या किया, काम किया, किसी पे कमेंट किया, मैंने मान लीजिए मुझे उस पर डाउट है या डाउट नहीं है, मुझे किसी से पूछना है कि ये कैसे किया, तो मैं वो भी पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पे कमेंट कैसे करना है, उसका रिप्लाई कैसे करना है, अगर ये हमारा मैटर क्लोज हो चुका है, सब कुछ क्लियर है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, पूरे थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पहले वाले पे क्या आ रहा था, सिर्फ रिजॉल्व करके आ रहा था और हम उस कमेंट को रिमूव कर सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई भी कर सकते हैं कंटिन्यू में, और जब रिप्लाई हो जाए, सारी चीजें हो जाए, तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। एक बार मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल वाई, तो ये सारी चीजें क्या है, हम इंसर्ट कमेंट पे कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट चार्ट। चार्ट वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरीके से ये इंसर्ट चार्ट में भी, यहाँ पे अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, मैं ये डाटा सिलेक्ट कर लेती हूँ, वो आ चुका है, वो स्लो चल रहा था इसलिए पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो इसको भी हम करेंगे, बट अभी नहीं करना है हमें चार्ट को, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ये चार्ट का है फिल्टर, फिल्टर ऑप्शन बहुत काम का है, तो वो हम करेंगे आगे। देन ये फंक्शंस मैं बता चुकी हूँ, यहां से सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिनिमम करना है, मिन करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट सेल्स आ रहा है, यहाँ पे अभी मैंने किया है राइट टू लेफ्ट सेल्स। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो हम काम करते हैं वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। अगर हमें राइट टू लेफ्ट करना है
तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें क्या करना है, मान लीजिए राइट टू लेफ्ट वर्क करना है, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया है, अब हमारे जो रोज नंबर हैं वो हमारे किस साइड शो हो रहे हैं, राइट में शो हो रहे हैं, जबकि वो होते क्या हैं, लेफ्ट में। हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट टू लेफ्ट सेल भी कर सकते हैं। ये हो चुका है, तो हम अपने यहाँ से फॉर्मूला बार भी, फॉर्मूला जो बार है वो अगर चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे चेंजेस हुआ हैं वो भी सारे क्या हो रहे हैं, चेंजेस, इसमें हमें कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इस पे ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहे हैं। उसके बाद है एडिट। एडिट में जो ऑप्शंस हैं वो हमारे अंडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल है, फाइंड एंड रिप्लेस है, डिलीट है। अब देखिए हम इसको डिलीट करना है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। शो एडिट हिस्ट्री अगर हमें चेक करना है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा एडिट हुआ है, प्रीवियस वर्जन अगर हमें चेक करना है तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब कब चेंज हुआ है। रिप्लेस विद 227 पे है, यहाँ पे भी है ना, तो वो हम चेक कर सकते हैं। एडिट हिस्ट्री हमें नहीं देखनी है यहाँ पे, यहाँ पे हमें एडिट हिस्ट्री शो हो रही है वो हम यहाँ से हटा देते हैं एडिट हिस्ट्री को। कोई नोट्स हमने दिया हुआ है तो वो हम कर सकते हैं डिलीट, रो करनी है, कॉलम करना है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट की बात करूं, यहाँ पे मैं अगर इंसर्ट रो की बात करूं, यहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट करने पे क्या है, एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है, हम जो इंसर्ट यहाँ पे रो कर सकते हैं वो लेफ्ट में भी ऐड कर सकते हैं, राइट में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हम क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर से ऐड करते हैं तो जो हमारी जो रो है सिर्फ लेफ्ट साइड ही इंसर्ट होती है, सिर्फ क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड इंसर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे हमारी गूगल वर्कशीट के अंदर क्या है, लेफ्ट और राइट, हम जिस साइड भी हमें ऐड करना हो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। कॉलम को रिसाइज करना है, कॉलम हाइड करना है, कॉलम क्लियर करना है, वो सब भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर फिर तो बाकी नॉर्मल चीजें हैं। अब आगे जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो हम करेंगे, उसमें हम डाटा फ्रीज कैसे करेंगे वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शेयरिंग सीखेंगे, हम चार्ट इंसर्ट करना सीखेंगे और भी इसी तरीके से जो बाकी चीजें हैं वो धीरे धीरे हम आगे की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं, जितनी भी चीजें, मतलब जो भी आप, जब भी आप गूगल शीट में काम करें सबसे बेटर यही होगा कि आप उसको क्या करें, पहले ड्राइव में फोल्डर क्रिएट कर लें, जिससे कि जितने भी आप फिर क्या करते हो गूगल शीट ऐड करोगे, क्रिएट करोगे तो वो सारी यहाँ पर शो हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइव में फोल्डर बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे गूगल शीट क्लासेस के नाम से बनाया है। देन उसके बाद जितने भी हम इसमें शीट्स एड ऑन करेंगे वो सारी हम किस में करेंगे, गूगल शीट के अंदर करेंगे। तो हम इसमें एक बार अगर आप चाहो तो मैं इसमें आपको शेयरिंग का ऑप्शन बता सकती हूँ, अभी शेयरिंग का हम ऑप्शन बता देते हैं, बाकी इसमें जो चेंजेस है क्या है कैसे है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो शेयरिंग करनी है मुझे तो मैं क्या करूंगी, खुद को शेयरिंग करूंगी, मैंने ये खुद को चेंज किया। एडिटर, मैं देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, तीन ऑप्शंस आते हैं जब हम शेयर करते हैं। शेयर कहाँ पे आता है, शेयर का ऑप्शन, मैं इसको कैंसिल करती हूँ। शेयर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं शेयर पे क्लिक करूंगी, जैसे ही मैं शेयरिंग पे क्लिक करूंगी यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे मेल आईडी डाल दूंगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाली, यहाँ पे चीजें, यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक तो व्यूअर, एक है कमेंटर और एडिटर, मतलब कि आप देख सकते हो या कमेंट कर सकते हो सिर्फ, या एडिट भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें क्या किया, एडिटर में इसको एड किया है एंड इसको क्या कर लिया, मैंने सेंड कर दिया। मुझे यहाँ पे मैसेज देना है तो मैं वो भी मैसेज दे सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट की क्लास में
हमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं गूगल शीट में आगे की क्लासेस में। तो आज के लिए हम क्लास अपनी यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।